आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाकपा माले जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन नागरिक पुषाणी सभागार में आयोजित की गई, जिसमें भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य शामिल हुए। सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कन्वेंशन की शुरुआत कल हुए ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। मुख्य अतिथि पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन भाजपा को दलित राष्ट्रपति याद नहीं आए, जबकि संसद बनता ही है राष्ट्रपति को मिलाकर। लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक सिंगोल का क्या काम, जब भारत आजाद हुआ तो उसका प्रतीक संविधान था, जिसमें सभी संप्रदाय जाति धर्म भाषा के लोगों की बात करता है। इसलिए हमारा प्रतीक सिंगोल नहीं संविधान होगा। मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करते हैं और संसद का भी, यानी राम मंदिर और संसद में कोई अंतर नहीं। ये संसद को मंदिर बना देना चाहते हैं। मोदी जी अब हिंदू सम्राट बन गए हैं। भाजपा वाले मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं, इसका ये जीता जागता साबूत है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के आरोपितों को जेल भेजने के बजाय उन्हीं महिलाओं को सड़क पर घसीट कर थाने ले जा रहे हैं। ये सवाल केवल कुछ पहलवानों का नहीं है बल्कि पूरे देश का सवाल है, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि आज देश में जो चल रहा है वह हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है। अंबेडकर ने पहले ही कहा था कि किसी भी तरह से अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा। आने वाले 24 के चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। यह तय करने वाला चुनाव है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। संविधान से देश चलेगा या मनुस्मृति से, यह चुनाव तय करेगा कि हमारी बेटियों का सम्मान रहेगा कि नहीं। इसलिए आक्रामक बनना होगा। गांव-गांव में सांप्रदायिक ताकतों को भगाना होगा। गरीबों महिलाओं के सवालों पर बड़ी एकता बनानी होगी। उन्मादियों की बोलती बंद कर देना होगा। इस चुनाव को निर्णायक बना दीजिए। हमें भाजपाइयों को चुप करा देना होगा। उन्हें कहना होगा कि धर्म अपने पास रखो, हमें शिक्षा रोजगार दो, खेती के लिए पानी दो। हमें इन्हीं मांगों पर लड़ना होगा। उक्त बातें महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कही। इस कार्यकर्ता कन्वेंशन में राज्य सचिव कुणाल, पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, सुदामा प्रसाद, राज्य स्थायी समिति सदस्य व विधायक तरारी कयामुद्दीन अंसारी, इंदु सिंह, सबीर कुमार, शिव प्रकाश रंजन सहित स्वदेश भट्टाचार्य, संतोष सहर, मीरा देवी, मनोज मंजिल अग्याव विधायक सहित कई लोग उपस्थित रहे। कन्वेंशन का संचालन जिला सचिव जवाहरलाल सिंह ने किया। वो 400 के करीब जी जी हमें लगता है कि पिछले 2-3 दशक में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हादसा है और लग रहा है कि रेलवे में अब सुरक्षा नाम की कोई चीज है। पूरे रेलवे के नाम पर मोदी जी वंदे भारत का उद्घाटन करते रहते हैं, झंडे दिखाते रहते हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपको कहेंगे कि जो लोग मारे गए हैं उनके पूरे परिवारों को, लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की गहन जांच की ज़रूरत है। ये असुरक्षित रेल यात्री जितने लोग मरे हैं, ज़्यादातर मजदूर जी, ज़्यादातर बंगाल के, उड़ीसा के प्रवासी मजदूर। अगर कभी संघमित्रा एक्सप्रेस के साथ ऐसा हो जाएगा तो बिहार के मजदूर भी इसी तरह से मारे जाएंगे। सबसे पहले तो कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान इस समय ये मांगेगा कि भाई इनको मुआवजा मिले और जो भी इनको बचाना संभव है उनको बचाया जाए और आगे ऐसे हादसे बिल्कुल ना हो। एक ज़माना था लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री हुआ करते थे और रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज तो पता ही नहीं चलता है कि रेल मंत्री कौन है। हर मंत्री तो मोदी जी हैं और कोई सरकार की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। दूसरा जो बड़ा सवाल इस समय है वो हमारे देश की पहलवानों को लेकर है। जो इतने दिनों से हजारों लड़कियों के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने ये कांड किया तो उस समय क्यों ये लड़कियां नहीं आई? आज फेमस हो चुकी हैं और इनका जो अपना खेल का समय है अंतिम चरण में, तब इसलिए जानबूझकर किया जा रहा है। कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 5 महीने से लड़कियों ने जी, अगर कोई कह भी दे कि भाई 5 साल पहले क्या कर रही थी, क्यों छूट रही, उसका भी उन लोगों ने जवाब दिया। सवाल ये बनता है कि 5 महीने से जब ये पूरे हिंदुस्तान के सामने बात आ चुकी है, जनवरी महीने में पहला धरना हुआ दिल्ली में, 28 तारीख को अप्रैल में वो FIR दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, सवाल ये उठना चाहिए कि इतने 5 महीने के बाद भी FIR दर्ज होने के 1 महीने बाद भी सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, सरकार की लाचारी क्या है, मजबूरी क्या है, ये हिंदुस्तान जानना चाहता है। और ये दुनिया भर में ये तय है कि उत्पीड़ित जो लोग
वो जब भी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाए, उत्पीड़न का सवाल पुराना नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। 10 साल पुराना मामला हो, 20 साल पुराना मामला हो, ये स्थापित है दुनिया भर में कि उत्पीड़ितों को कभी भी अपने न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने का बिल्कुल हक है। और इसीलिए ये गलत सवाल, ये हमारे पहलवानों को बदनाम करने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले, बिल्कुल हमने देखा कि उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ किया गया, बिल्कुल भाजपा के तमाम मंत्री अब इसमें लगे हुए हैं, वो बचाव कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह और बदनाम कर रहे हैं हमारे देश में इन पहलवानों को, जिन्होंने देश को सम्मान ला करके दिया, मेडल ला करके दिया। और जिस समय मेडल ला करके देती है उस समय मोदी जी उनके साथ चाय पार्टी पिलाते हैं। इसलिए सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि साक्षी मलिक ने देर क्यों की या विनेश फोगट ने देर क्यों की, बजरंग पुनिया ने देर क्यों की, ये कहीं कतई कोई सवाल नहीं है। सर 12 तारीख को जो बच्चे किसी राज तिलक हुआ, संसद तो संविधान के हिसाब से चल रही है और संविधान के हिसाब से देखिए तो पहली बात तो नए संसद भवन की ज़रूरत थी कि नहीं थी, कोविड के दौर में इसको लेकर के बात होनी चाहिए थी, किसी से कोई बात नहीं हुई। कोविड के समय जिस समय हम आप परेशान थे, लॉकडाउन की मार झेल रहे थे, कोविड में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस समय हजारों करोड़ खर्च करके ये नई इमारत का निर्माण किया गया और अब किया ही गया, उसका अगर उद्घाटन करना था तो संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को ये मौका मिलना चाहिए। तो जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ खूब बोला गया कि दलित आदिवासी, पहले दलित राष्ट्रपति उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति, लेकिन जब उस समय शिला पूजन की बात आई, वहाँ फाउंडेशन लगाने की बात आई, उस समय रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया, अब उद्घाटन का समय आया तो उस समय हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। हमें तो लगता है कि और ये संविधान में संसद में जिस तरह से एक सेंगोल कहाँ से उठा के ले आए हैं, वो बिल्कुल लग रहा है कि लोकशाही को ख़त्म करके राजशाही थोपने की कोशिश है हिंदुस्तान में। मोदी जी को लग रहा है कि वो एक सम्राट है हमारे देश में, इसीलिए हमें लगता है कि इस लोकशाही की लड़ाई अब वो संसद के अंदर भी और बाहर भी ये लड़ाई चलेगी और हिंदुस्तान में लोकशाही को हम लोग हर कीमत पर इसकी हिफाजत करेंगे। जिस एक एक सवाल है सर, जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी जी राजशाही, अन्य देशों में जिस तरीके से भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस बात कहते हैं, अन्य जो देश के लोग हैं वहाँ प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बॉस बोला जाता है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को, जो एक मशहूर गायक थे, रॉक स्टार थे, उन्होंने याद किया कि भाई इससे पहले एक उनके लिए बड़ा आयोजन हुआ उसके उन्होंने याद किया। और अगर आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, उधर मोदी जी गए थे अपना चुनावी रैली करने के लिए सिडनी में, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, चुनावी रैली थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो भारत के लोग हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसी समय एक खबर आई, मैं बता दूँ बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान के 6 राज्यों से जो नौजवान पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तय किया कि उनकी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन आएगा तो उसको हम खारिज कर देंगे। और उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें उत्तराखंड है, उसमें जम्मू कश्मीर है, शायद बिहार का भी नंबर आ जाएगा। तो मोदी जी तो गए थे और वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जा करके जय करके आए हैं और जो भारत के छात्र नौजवानों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का जो अधिकार था आने वाले दिन में उस पर पाबंदी लगी। पापुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री पैर छू कर बात कर रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर वीडियो इस तरीके से, मैं समझता हूँ कि देश के लोग, कर्नाटका के लोगों ने यही पूछा, कर्नाटका के लोगों ने यही पूछा कि हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारे यहाँ जो महंगाई है इसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है, इसको कम कर रही है। सवाल आप पापुआ न्यू गिनी में कुछ करके आइए, जापान में चले जाइए, पूरा दुनिया का सैर करके आइए, लेकिन आपको मैंडेट जो मिला था वो हिंदुस्तान में एक संविधान के मुताबिक लोगों के जो लोगों से आपने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए मौका मिला और इसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जैसी बातें आ रही है क्योंकि अगर केजरीवाल को देखा जाए और कांग्रेस को देखा जाए तो दोनों एक पटरी पर आ नहीं सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, किन किन को नीतीश जी ने न्यौता दिया है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बिल्कुल कहेंगे और हमें लगता है कि एकता देश में बढ़ रही है, कोई दिखावा नहीं है, एकता की ज़रूरत है। केजरीवाल भी महसूस कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने जो फैसला सुनाया इसके बाद उसको धता बताते हुए सरकार ने जिस तरह से अध्यादेश जारी किया, ये अध्यादेश राज चल रहा है देश में और अध्यादेश राज अगर चलेगा, ये बुलडोजर राज चलेगा तो देश में लोकतंत्र का इस पूरे जो
संघीय ढांचा है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसीलिए तमाम पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं सबको साथ आना चाहिए। और हमें तो लगता है कि अब समय आ गया है कि भाजपा के अंदर भी चलो ठीक है आपकी विचारधारा कुछ भी हो, अगर उसके अंदर भी किसी के पास कोई विवेक नाम की कोई चीज़ है, इस समय अगर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, हमने देखा कि अभी महाराष्ट्र से एक आवाज़ उठने लगी है, हरियाणा से आवाज़ उठने लगी है, तो सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान में जहाँ भी किसी के पास अगर कोई विचार है, कोई विवेक नाम की चीज़ है, तो उन सबको अभी भाजपा के खिलाफ और ख़ासकर बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार नतमस्तक है। बिल्कुल, हमें लगता है कि इस समय ये देश की मांग है, समय की मांग है। और जब जब ऐसा समय आता है हिंदुस्तान एक होता है। जो अंग्रेज भी सोचा करते थे कि अंग्रेजों के राज में सूरज कभी डूबेगा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान एक हुआ और अंग्रेजों को जाना पड़ा, आपातकाल खत्म हुआ। और ये तो आफतकाल, मोदी जी ने तो अमृतकाल के नाम पर आफतकाल फेंक दिया है देश के ऊपर। तो आफत के समय अगर लोग एक नहीं होंगे तो कब एक होंगे? नए संसद भवन के बारे में कुछ कहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान के तमाम पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने, अब उन्होंने तय कर लिया था कि हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है मेडल विसर्जन। ये जो पदक हमें मिला था वो मेडल हम महादेव गंगा, तो किसानों ने उनसे अपील की कि आप देश पर भरोसा रखिए, जनता पर भरोसा रखिए और हम सब लोग मिल करके इस आंदोलन को इंसाफ के मंजिल तक पहुँचाएँगे। तो उन पहलवानों ने 5 दिन का समय दिया और हमें लगता है कि 5 दिन का समय हिंदुस्तान के लोगों को मिला है और हम सबको, ये पहलवानों की अपनी लड़ाई नहीं है, ये देश की तमाम बेटियों की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। और क्या वजह हो सकती है? ये बृजभूषण शरण सिंह एक सांसद जिनके ऊपर लगातार इतने मुकदमे हैं और जो FIR अभी 2 दर्ज हुए हैं उसके पूरे तफसील से हम लोगों को रिपोर्ट मिल रही है, तो ऐसे एक सांसद को बनाए रखना ये नरेंद्र मोदी की कौन सी मजबूरी है, ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है कि देश में अगर किसी दूसरे पर अगर ये आरोप लगते, पॉक्सो कानून में इनके ऊपर FIR होता तो सीधे उनको गिरफ्तार किया जाता। लेकिन अगर कोई BJP के सांसद हो, कोई दबंग सांसद हो, तो उनके लिए बिल्कुल देश में अलग कानून बनेगा। तो हमें तो लगता है कि इस समय ये वर्ष इनका जिला है भोजपुर को सबसे आगे बढ़ करके पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की कौन सी मजबूरी है कि बृजभूषण शरण सिंह उसके सामने सरकार लाचार नज़र आ रही है, नतमस्तक नज़र आ रही है और वहाँ पहलवानों का सम्मान, उनके इंसाफ की मांग, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमको लगता है कि इस समय पूरे देश में ये आंदोलनों का समय है, सवाल है और हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे और ये 2024 में पूरा बिहार जवाब देगा, पूरा हिंदुस्तान जवाब देगा। और आरा में हम इसीलिए आए हैं कि भोजपुर से तैयारी शुरू हो, भोजपुर इसका जवाब सर, दे। सर एक सवाल है, पहलवानों में कुछ आपने सुना होगा बिल्कुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, PT, ETC बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौवा।